अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आपका छोटा भाई आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो गया है। व्यूअर्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ कराची कैंट स्टेशन एक नई अपडेट लेने के लिए। तो कुछ कमेंट्स के भी जवाब देने और कुछ बातें भी आपसे करनी है। तो चले पहले कन्फर्म करते हैं, उनसे मालूम लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो व्यूअर्स, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बात मैंने एक इम्पोर्टेंट ये करनी थी कि मेरी वीडियोज़ को ना आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाल रहा है। तो मेरे चैनल का नाम स्मॉल फैमिली ब्लॉग है। प्लीज़ काइंडली इतना देख लिया करें कि मेरे चैनल का नाम पढ़ लिया करें, दूसरे किसी की वीडियो को नहीं देखें। मैं उनको कॉपीराइट क्लेम भी दे रहा हूँ। चले मैं बात करता हूँ, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बारिश भी आ गई, जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करके मैं चलता हूँ। वो देखे रश लगा हुआ कुलियों का, वो देखें लगता है ट्रेनें चल गई यार। वो उधर क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो अभी बस मेरी जाके अभी बात हुई है उनसे, तो बारिश हो रही है इधर, ये देखें। अभी मैं इधर ही खड़ा होकर वीडियो बना लेता हूँ। तो व्यूअर्स, ट्रेनें अभी भी नहीं चली, कब चली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और एक दो बातें थी वो आपसे वो भी करनी थी। तो मुझे लोग बहुत से हेट्स कमेंट कर रहे हैं और कुछ बहुत से अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आप बहुत शुक्रिया, आप कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है भाई, बारिश तो बहुत तेज़ होगी, मैं कैसे जाऊँगा यार। तो व्यूअर्स, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, कैसे जाऊँगा घर पर अभी। चलो कोई नहीं, वो तो देख लेते हैं। बाकी बात ये है कि ट्रेनें जल्दी चलने वाली नहीं है। ट्रेनें क्यों ही जल्दी चलने वाली, क्योंकि आपको पता है सैलाब आया हुआ है, ज़मीन सैलाब, उसने पटड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। अभी उस पहले पानी खुश्क होगा, पानी खुश्क होने के बाद ज़मीन को वो मजबूत देखेंगे, मतलब ज़मीन मजबूत है। ट्रेन आपको पता है कितनी तेज़ चलती है, ज़मीन मजबूत है ट्रेन चलने के लायक। फिर वो पटड़ियाँ बिछाएंगे, बजरी बिछाएंगे, ऊपर वो लोहे के वो बिछाएंगे, तब जाके ट्रेनों को बहाल करेंगे। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, वो बोले पीर तक आपको कंफर्म पता चलेगा। तो व्यूअर्स, इधर हमारे एक भाई थे जो हमें रोज़ फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है भाईजान? ठीक ठाक भाईजान। तो भाईजान क्या कहना चाहेंगे हमारी वीडियोज़ के बारे में और ट्रेनों के बारे में? ट्रेनें बंद पड़ी हुई है, बोल रहे कि ट्रेनें 20 तारीख के बाद चलेंगी। अच्छा, पक्का पता नहीं है अभी, पक्का पता नहीं है। तो ये देखे पहले सैलाब की वजह से ट्रेनें बंद पड़ी हुई है, और दूसरी फिर से ऊपर से बारिशें होने शुरू हो गई। ठीक है, पटरियों के नीचे से वो बोल रहे पानी निकल चुका है। हाँ, वो मट्टी निकल गई, सारा मट्टी निकल चुकी है। वो बोल रहे जब क्लियर होएगा फिर उससे हम आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, ये भाई हमारी रोज वीडियो देखते हैं, भाई आपको कैसे लगती है हमारी वीडियो? अच्छी लगती है, सही बताते, सच बताते। हाँ बिल्कुल भाई, हम सच बताते हैं। रोज मैं आता हूँ कैंट स्टेशन, पूरा बंद पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश हो रही है, हम लोग बारिश में खड़े हुए हैं। बिल्कुल खड़े हुए कैंट की बुकिंग वाला। हाँ, ये एक तो उन्होंने बंद किया हुआ है, और दूसरा मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि वो खुला हुआ है, छोटा वाला ऑफिस, रिजर्वेशन ऑफिस। तो चले व्यूअर्स, जैसे जैसे नई नई अपडेट मिलती रहेगी, आपका भाई आपके साथ शेयर करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।